थोड़ा सा इसमें गंदा भी हो जाता है बेड, धूल वूल भी आ जाता है। और गुड मॉर्निंग गुन्ना, क्या खा रहे हो? यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। तो कुछ नया कोरियर आ गया है तो उसका अनबॉक्सिंग कर रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम लगभग सारे कमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो जैसे कि अगर हम लोग, देखो ये एलईडी पैनल कितना अच्छा काम हो रहा है। ये देखो इधर भी तो क्या किया, साइड स्टेशन रहेगा ना। देखो मशीन का दीवार सही है। तो गुन्ना भी मेरे साथ घूमी घूमी करता रहता है। परवीन भैया से मिले ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट होगा, वही तो सरप्राइज है ना। आता ही मनाता है वो लोग अपना। देख एक बात जिसे वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको सुनाओ उनका पार्टी किस चीज का है उनका। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दिस इज आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का नाश्ता बना रही हमारी प्यारी किट्टो रानी। पूजा पाठ हो चुका है, लेकिन जिस कमरे में हम लोग सो रहे थे ना, उस कमरे को इन्होंने साफ नहीं किया, क्योंकि होता ना कि बाबू सोता है उसका फिर थोड़ा सा इसमें गंदा भी हो जाता है बेड, धूल वूल भी आ जाता है, और भी, अरे बाप रे, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो किट्टो वाला कमरा साफ नहीं किया, तो ये वाला कमरा मैं साफ कर रहा हूँ। बाकी सारा घर साफ कर, पूजा पाठ कर चुकी हैं वो, और बज रहे हैं सुबह के 10। गुड मॉर्निंग गुन्ना, गुड मॉर्निंग। तो गुन्ना को किट्टो ने गुन्ना की जगह पे रख दिया है। गुन्ना को शॉल उड़ा देते हैं तो आसान ठंडा ना लगे। गुन्ना ठंडा लग रहा है क्या? गुन्ना मम्मी गुड मॉर्निंग नहीं की, कहाँ बोली हो? तो अगर नाश्ता बना लेते तो हम अपना दवाई पी लेते हैं सुबह का। और ये रूम मुझे सही करना, बिस्तर सही कर रहा था मैं, देखो रूम, और वो बाहर सारे पूजा का जितना भी वस्त्र है भगवान जी का सारा किट्टो ने धुल रखा है, वो भी सारा कुछ मुझे लपेट लपाट के रखना है। बाकी सारे कमरे साफ हैं। कुछ कमेंट आ रहे थे बीच में कि आप लोग अपना ब्लॉग खुद शूट कर रहे हो, देख रहे हैं, कई दिनों से परवीन नहीं आ रहा है, परवीन को निकाल दिया। कुछ मतलब कोई मतलब कुछ लोग तो और भी कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, लेकिन गाइस बता देना ये चाहता हूँ कि परवीन हमारे साथ लगभग 15 दिन तक गाँव में था, और उसको भी रेस्ट की ज़रूरत थी। तो हमने उसको बोला कि नहीं परवीन, एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो और तुम कुछ दिन तक रेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि परवीन की तबीयत मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत कहा, और परवीन आ गया है तो, और हम जिसको रखते हैं उसको निकालते नहीं है भाई। गुड मॉर्निंग गुन्ना, क्या खा रहे हो? ब्रेकफास्ट? गुड मॉर्निंग। इनका सही है कि तो ना ब्रश करना है ना पुट्टी करना है। अच्छा। सुबह उठ के खाने लगो, पुट्टी करता है कि अरे ना, उसका जब मन करता है तो पुट्टी करता है ना, कर दिया उसने। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। गुन्ना कर रहे हो क्या ब्रेक? कैसे देख रहा है मुझे? गुन्ना 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 ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या? वाह 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 वाह। तो कुछ नया कोरियर आ गया है तो उसका अनबॉक्सिंग कर रही है। क्या बात है, ब्लैक साड़ी, ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक तो है, ब्लैक कहीं नहीं है इस टाइम, ब्लैक थी मैं कहीं पे नहीं।
मजा लग रहा है। ये क्या बेल्ट है इसका? ये बेल्ट क्यों देता किट्टो साड़ी बाजकल लगाने के लिए? मोटाई नापने के लिए देता क्या लेडीजों को? नहीं ये बहुत गुन्ना 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 की मम्मी गुन्ना एकदम ढक के रखती हैं, टोपी ओपी लगा के एकदम है, इनर उनर पहना के, इनर भी पहना हुआ है। ये बात ये बाजू पे आएगा। हाँ वो ब्लाउज है फ्रंट बैक। चलो तीन चार हो गया लेकिन चल नहीं रहे हैं, कल चलेंगे ना, कुछ भी हो जाएगा। दो हम लेते जाए, अगर वो सीपी आएंगे तो ले लेंगे। उन गए आज गुड़गांव गए हैं ना। अच्छा ये तो गलत बात है, तुमको छोड़ के गुड़गांव चले जा रहे हैं। आज चले तो रामनगर क्या? तो रामनगर में कुछ नहीं है, मंगलवार बंद रहता है। तो रामनगर सोमवार बंद रहता है। मंगलवार बंद रहता है देखा? क्या हुआ, क्या उदास सी हो रही हो? छोटी बात ची हो क्या, उखाड़ दी नाखून सब, पैसा बर्बाद बहुत करती हो तुम। नहीं ये एक इंसान होता पैसा बचा। ये लेंथ बढ़ रहा था तो नेल ना अंदर बहुत कीटाणु भर रहा था, तो इसको जाकर के सही कराना पड़ता है। तो कौन जाता फिर कराने, अब टाइम लगता ना, फिर हम क्या छोड़ो जाए तो निकाल ही देते हैं। कदर नहीं पैसे, घर बन रहा है देख रहे हो, पैसे कदर नहीं। देख यार क्या करवा रहे हैं, कि अभी तक इनका तैयार ही नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम लगभग सारे कमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था, जब किट्टो के यहाँ शादी में लिया हुआ था तो नहीं समय मिल पा रहा था, क्योंकि बैक टू बैक ब्लॉग्स आ रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाता सारे कमेंट्स को पढ़ना। लेकिन हम लोग तो अभी बार जो इतना भी हो पा रहा था कॉमेंट्स पढ़ रहे थे, लाइक कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे। अभी फिर से हमने सारे कॉमेंट्स को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, लाइक कॉमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप सब लोग जितने भी लोग ब्लॉग देखते हो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट के रूप में ज़रूर दिया करिए, ठीक है? हमें अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो हर तरीके कमेंट आते हैं। अभी तो जो हमने कल बाबू का जो भी फंक्शन करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो ब्लॉग डाला है उसमें एक कुछ कमेंट्स कॉमन है। ये कमेंट कॉमन है कि भैया आप बोल रहे थे कि कुछ अलग करेंगे लेकिन सब कुछ तो सेम लग रहा है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने सिर्फ जगह देखने गए थे और डेकोरेशन अलग होता है। ये तो किसी का फंक्शन था तो उन्होंने अपना डेकोरेशन करा रखा था, तो हम लोग जगह देखने गए थे तो हमने ब्लॉग शूट किया हुआ है, तो हमारा ऐसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। बाबू के बर्थडे पे आप सब लोगों को बाबू का जो भी हम लोगों ने नेम नामकरण किया था तो आपको कुछ डिफरेंट मिला था ना, तो हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे। और मैंने आप लोगों से भी सजेशन मांगा था क्योंकि आप सब लोग हमारी ऑडियंस हो, हमारी फैमिली हो, तो आप सब लोग सजेशन हमें इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो दिखती है बर्थडे की, कुछ आपको डिफरेंट लगता है यार कृतिक के बर्थडे में अमित भैया को ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ 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 दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ वो वीडियोस हमें शेयर करें इंस्टाग्राम पे। अमित जायसवाल पे कर दें, किट्टो अमित जायसवाल पे कर दें, सन ऑफ अमित किट्टो जायसवाल पे कर दें, कृतिक पे भी कर दें, तो हम लोग देख लेंगे उस वीडियो को। और देखो क्या होता है ना, आदमी एक दूसरे का देख करके ही आइडिया आता है, और कोई जितने भी लोग फंक्शन करते हैं ना कहीं किसी न किसी का थीम उठाया जाता है और किसी न किसी से लोग सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो करते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर आप सब लोग सजेशन दोगे, ऐसे नहीं करवाया हम लोगों ने, लकड़ी लगा के छुड़ा दिया, लेकिन कहाँ पे जैसे ऐसे इस पे पट्टी पे, तो इन लोगों ने क्या किया ना ऐसे ये देखो जैसे कि अगर हम लोग देखो ये एलईडी पैनल कितना अच्छा काम हो रहा है, ये देखो इनके में ये चीज शाइनिंग है चल के, मतलब इससे ही तो लुक भाई मतलब लुक आता है ना। और इनका भी देखो ये पीछे कुछ करवाएंगे काम लग रहा है, साइड स्टेशन रहेगा ना ये, तो हम लोग में भी होगा ऐसे
यहाँ पे बोर्ड है हम लोगों में भी। हम लोगों को उन्होंने ढक दिया। देखो मैं सिम का यहाँ दीवार सही है। एक यहाँ जैसे हम लोगों से ये टाइल्स टूटेगा फिर अंदर से। टाइल्स भी टूट जाएगा अंदर से। कौन सा टाइल्स? तभी तो वो नलका आएगा वहाँ से। कहाँ से कनेक्शन है? तो गुन्ना भी मेरे साथ गुम्मी गुम्मी करता रहता है। परवीन भैया से मिले लैपटॉप देखा है ना। अच्छा हाँ, मैं बात क्या कर रहा था, फिर कहाँ चला गया, क्या क्या बातें होने लगी। किट्टू लेके चली गई मुझे बगल वाले फ्लैट पे, वहाँ पे काम हो रहा है। तो हाँ, अब कुछ कमेंट्स की बात हो रही थी और हाँ, लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं कि भैया। हाँ तो मैं बताना चाहता हूँ, वो हमने सिर्फ जगह देखी है, आप लोग कंपेयर करते भैया तो वैसे ही जैसे पहले था ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट होगा, वही तो सरप्राइज है ना। अभी मैं वीडियो में दिखा दूंगा भैया, ऐसा होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। वो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो, बाबू की एंट्री भी होगी बेहतरीन। तो सारी चीज़ों का और एक दो कमेंट की, एक तो कमेंट ये कर दिया कि सचिन मनीषा का देख ही देखा आप करते हो। अरे भाई, सचिन भाई मेरे भाई हैं, अगर मैं उनका देख के भी कुछ करूँगा तो क्या हो गया है। और दूसरी बात है, सचिन भाई वो रिसेप्शन पार्टी कर रहे हैं, मेरे बेटे का बर्थडे है 9 तारीख को यार, 9 फरवरी को, इसमें देख ही देखा क्या है। वो भी पार्टी करते रहते हैं, हम भी पार्टी करते रहते हैं, तो देख ही देखा क्या। अगर मैंने देख के भी कर भी लिया, मैं बोल रहा हूँ सचिन भाई का ही देख के कर रहा हूँ मैं, तो मेरा भाई है यार, तो क्या हो गया, कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखता हूँ लाइफ में, और कुछ वो हमसे सीखते हैं, तो सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, तो एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं और इंस्पायर होते रहते हैं। तो सचिन भाई मेरा भाई, अगर मैं उससे कुछ देख के भी कर रहा हूँ पार्टी, तो बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग को तो मजा आना चाहिए। कमेंट आया कि सचिन का देख करके तुम पार्टी कर रहे हो। मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं किसी को देख के पार्टी करूंगी, पहले ये बताओ। तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर देख के भी कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात है, आप लोग को तो मजा आना चाहिए। चलो अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे देखने के लिए, तो सही है। बाकी और उन सब लोगों को धन्यवाद जो बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं कि भैया बाबू का भी से बर्थडे विश कर रहे हैं, कि बाबू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाइए आप सब लोग। मेरे सारे प्रशंसकों को, जो भी लोग हमें दिल से प्यार करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब लोगों के सहयोग प्यार से बाबू का बर्थडे एक नंबर बनेगा, बेहतरीन बनेगा, जबरदस्त बनेगा, धमाल मचेगा। और आपकी बार कितना गाना सेलेक्ट करके लेके जाएंगे, नहीं मतलब किसी का देख के कर रहे हो पार्टी यार, बर्थडे है उसका, फर्स्ट बर्थडे है साल में, ऐसे तो हर मंथ में मनाते थे, लेकिन उसका जो बर्थडे मेन बर्थडे है, एक साल का हो जाएगा वो 9 फरवरी को जिस दिन पैदा हुआ था, तो वो चीज तो इंसान देख के नहीं कर सकता है ना। वो तो अपना बर्थडे तो हर कोई मनाता है यार, तो हर कोई किसी न किसी देख के बर्थडे मनाता ही है। एक बात जिसे वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको सुनाओ। उनका पार्टी किस चीज का है? उनका पार्टी ये है कि उन्होंने शादी में किसी को नहीं बुलाया था, तो जैसे मनीषा ने, और ऐसा होता भी है शादी में, हर किसी को नहीं बुला पाता आदमी, क्योंकि लड़की लड़के लड़की वालों के बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, कितने बराती इतने लोगों की गैदरिंग, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए पार्टी रख रहे हैं कि सारे यूट्यूबर्स को बुलाएंगे और उसके उपलक्ष्य में पार्टी देंगे, बाकी उनका इस चीज का पार्टी है। मेरा पार्टी तो बर्थडे का है, तो इस चीज के लिए मत बोलो, वरना ना समझते नहीं है, जानते नहीं कुछ भी। देखो 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 क्या है कृतिक में, देखो कैसे लड़ रहा है। आप लोग उसके लिए ऐसे वर्ड बोले हो, वो तुरंत लड़ता है, माँ की तरह लड़ाकू है अपना, है ना गुन्ना? तो आप लोग अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देने के वजह आप लोग हमको इतनी सारी बातें सुना रहे हो। मैं तो एक छोटा सा बेबी हूँ, मेरा फर्स्ट बर्थडे है। गुन्ना, ओए गुन्ना, चादर के टुकड़ा आजा, दिल के बच्चा, दिल के मेरा राजा, सोना मेरा। तो गाइज अपने इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब प्यार, लव यू ऑल, बाय बाय।